मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कसोली में मुखबिरी की सूचना पर पुलिस ने एक बाग से छापेमारी करते हुए दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई गई भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये शराब तस्कर हरियाणा मार्ग की शराब को उत्तर प्रदेश की बोतल में मिलावट कर बेचते थे। दरअसल मामला चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कसोली का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर द्वारा मिलावटी शराब बनाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर चरथावल पुलिस ने कसोली गांव में स्थित शराब के ठेके के पास एक बाग में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने दो शराब तस्करों नीटू और सुधीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हरियाणा से तस्करी कर लाई गई शराब और हरियाणा मार्का के 350 पव्वे भी बरामद किए हैं। ये शातिर शराब तस्कर हरियाणा की शराब को उत्तर प्रदेश की बोतल में मिलावट करके बेचते थे। थाना अध्यक्ष जीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि कसौली गांव में हरियाणा की शराब लाते हैं और उसको उत्तर प्रदेश की बोतल में पानी वगैरह मिलाकर तैयार करते हैं और फिर बेच देते हैं। इस तरह जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और यूपी के एक्साइज टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं, जिन्हें एक कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है, जो पूरी अवैध है। इनकी गिरफ्तारी की गई है और जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर से न्यूज 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। कल सूचना मिली थी शाम को कसौली में जो हरियाणा की शराब लाते हैं और उसको यूपी की बोतलों में पानी वगैरह मिला के और ये इस तरीके से तैयार करते हैं और फिर बेच रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी तरह जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और यूपी के एक्साइज टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसको दो व्यक्ति सुधीर और नीतू को और जो बुड्ढा खेड़ा के रहने वाले हैं, ये कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है जो पूरी तरह अवैध है। गिरफ्तारी की गई है, जेल भेजा जा रहा है। सर किस जगह से? ये ठेके के पास ही बाग है और कुछ ठेके में भी इनका काम चलता है। दोनों जगह पे तलाशी लेकर कार्रवाई की गई।